हाय एवरीवन, आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेके आए। बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी है। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। इस तरह से बना के हरी चटनी सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हैं। गर्मी में रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, टेस्टी भी है हेल्दी भी है। देखिए कि अब चलिए देर की इस बात के नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, एक कप दूध ले लिया है गर्म करके, ठंडा करके ले लिया है, दो अंडा ले लिया है। अब अंडा को तोड़ के डालेंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लिया है। एक कप गेहूं का आटा ले लेंगे, डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, अब इसको साइड में रख देंगे। थोड़ी सी लौकी ले लिया है, लौकी का छिलका हटा के धो के ले लिया है। एक ग्रेटर ले लिया है, अब लौकी को हम ग्रेट करके ले लेंगे। अगर बच्चे लौकी नहीं खाना पसंद करते तो इस तरह से खिलाइए, बड़ी शौक से खाएंगे। लौकी को ग्रेट करके ले लिया है, अब इस बैटर के अंदर डाल देंगे एक बारीक कटी हुई टमाटर, एक बारीक कटी हुई प्याज और हरा धनिया, दो हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हमारे रसोई में जो भी सामान अवेलेबल है उसी से बना के दिखा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। अगर बच्चे लौकी नहीं खाना पसंद करते तो इस तरह से बना दीजिए, बड़े शौक से खाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी गाढ़ी लग रही है, आधा कप पानी और मिला लेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप खाली पानी से भी बना सकते हैं। देखिए बैटर हमें इसी तरह से ही चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। देखिए अब बिल्कुल रेडी है, अब हम गैस पे चलते हैं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, इस तरह से फैला लेंगे, दोबारा से मिक्स कर लेंगे और दो चम्मच भर के डाल देंगे, फैला लेंगे इस तरह से। फैला लिया है, अब इसको कवर करके दो तीन मिनट पका लेंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके। चलिए चेक करते हैं, देखिए ऊपर से ड्राई हो गई है। एक चम्मच ऑयल और डाल देंगे, अब हम पलट लेंगे। देखिए बड़ी आसानी से पलट रही हैं, किनारी को छुराना है फिर पलटना है। पलट लिया है, अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अलट पलट के दो तीन मिनट और सेक लेंगे। अब कवर नहीं करेंगे, इसी तरह से सेकेंगे, से पलट लेते हैं। देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। सुबह हल्का फुल्का खाना हो तो इस नाश्ता को ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। आप 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। एक बार नाश्ता हमारी रेडी है, अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और सभी नाश्ता को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। हरी चटनी सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है, 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।